एक बार एक गाड़ी में राहुल अपनी बहन रमा और माता पिता के साथ जा रहा होता है। राहुल और रमा एक दूसरे से बहुत लड़ते थे, तभी चलते चलते उनकी गाड़ी झटके मारने लग जाती है। राहुल के पिता शंकर, जो कि कार चला रहे होते हैं, राहुल से बोलते हैं, अरे राहुल बेटा, ये गाड़ी ऐसे झटके क्यों मार रही है? कहीं खराब तो नहीं हो गई? क्या आप बात करते हैं पिताजी, ये तो नई कार है, ये कैसे खराब हो जाएगी? वैसे सुना है इस रास्ते में चुड़ैलें होती हैं। तभी उसकी नज़र पेट्रोल मीटर पर पड़ती है। अरे पिताजी, लगता है पेट्रोल खत्म होने वाला है, आप जल्दी से गाड़ी किसी पेट्रोल पंप पर ले लीजिए ताकि हम गाड़ी में पेट्रोल डलवा लें। तभी रमा हंसने लगती है और बोलती है, पिताजी आप भी कहाँ इस कंगले की गाड़ी लेकर आ गए, इसकी गाड़ी में कभी पेट्रोल रहता भी है? अपनी सारी तनख्वाह तो ये अपनी गर्लफ्रेंड पर खर्च कर देता है, कंगला कहीं का। खुद भूत जैसा है और चुड़ैलों की बातें करता है। रमा की इस बात पर राहुल को गुस्सा आ जाता है और वो रमा को बोलता है, बहुत हंसी आ रही है, घर चल, तेरे दांत वहीं तोड़ूंगा। मैं हमेशा पेट्रोल का टैंक फुल करवाता हूँ, अब पेट्रोल ही महंगा हो गया तो मैं क्या करूँ? और रही चुड़ैलों की बात, तेरे से बड़ी चुड़ैल है कोई दुनिया में? तभी तो कोई चुड़ैल हमारे पास नहीं आती। डर जाती है तेरी जैसी चुड़ैल को देख के, चुड़ैल कहीं की। तभी उन दोनों की बातें सुनकर कामिनी बोलती है, ओहो तुम दोनों भी ना लड़ने का मौका नहीं छोड़ते हो, चुप करो और सुनो जी, आप गाड़ी जल्दी से पेट्रोल पंप पर ले चलो, कहीं धक्के लगवा दो बीच रास्ते में। तभी शंकर को पेट्रोल पंप दिखाई देता है और वो गाड़ी पेट्रोल पंप के अंदर ले जाता है और पेट्रोल भरने वाले को बोलता है, अरे सुनो भाई, गाड़ी का टैंक फुल कर दो। पेट्रोल भरने वाला उन्हें बड़ी हैरानी से देखता है। ये देख राहुल उससे पूछता है, अरे भाई ऐसे क्या देख रहे हो, हम कोई मंगल ग्रह से आए हैं क्या हैं? अरे नहीं भैया, इतने महंगे दामों पर कई दिनों बाद ऐसा कोई बंदा मिला है जो टैंक को फुल करने की बात कर रहा है, नहीं तो सबकी जेब ही खाली हो गई है, सब थोड़ा थोड़ा ही लेते हैं आजकल। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी रमा गाड़ी से उतरती है और पानी लेने दुकान की तरफ जाती है। उसे ऐसे जाते देख राहुल बोलता है, अरे रमा कहाँ मरने जा रही है, गाड़ी में बैठ जा। क्या मुसीबत है, अरे अब क्या पानी भी लेने ना जाऊं, पानी खत्म है हमारे पास। ऐसा कहकर रमा गुस्से में पानी लेने जाती है। रमा जैसे ही टॉयलेट के पास से निकलती है उसे बहुत जोर की बदबू आती है। ओहो कितनी गंदी बदबू है, ये इंडिया में कोई नहीं सुधरने वाला, कितनी गंदी बदबू है, छी। फिर रमा आगे जाकर पानी ले लेती है और वापस अपनी गाड़ी के पास जाने लगती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। आवाज सुनकर रमा रुक जाती है। तो तू है राहुल के बच्चे, अभी रुक बताती हूँ, पापा से कह तेरी पिटाई करवाऊंगी, ज्यादा डराना आ रहा है तुझे। लेकिन जैसे ही रमा पलटती है उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी होती है और उसे देखकर हंस रही होती है। आओ रमा, मैं तुम जैसी किसी का कई दिनों से इंतजार कर रही थी। इससे पहले रमा कुछ समझ पाती चुड़ैल उसके अंदर समा जाती है। चुड़ैल के समाते ही रमा की आंखें लाल हो जाती हैं और वो वहां से गाड़ी की तरफ चल देती है। रमा गाड़ी के पास पहुंचती है और बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है। तभी राहुल उसे बोलता है, आ गई चुड़ैल, इस बार मैंने पूरा टैंक फुल करवाया था। राहुल के ऐसा बोलने पर रमा उसे बड़े गुस्से से देखती है। रमा के ऐसे घूरने पर राहुल डर जाता है और चुप करके गाड़ी में बैठ जाता है। घर पहुंचने पर भी रमा किसी से कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चुपचाप जाकर सो जाती है। रात में राहुल सो रहा होता है, तभी उसको अपना दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो उठ जाता है। ओहो ये मम्मी भी ना, इन्हें चैन नहीं है, रात में भी जरूर कोई काम करने के लिए बोलेगी। राहुल बेड से उठता है और दरवाजा खोलता है। उसके सामने रमा खड़ी होती है और उसके दो सर होते हैं, एक चुड़ैल वाला और एक उसका। अरे मर गया, अरे ये क्या है, रमा चुड़ैल कैसे बन गई, बचाओ मम्मी। ये देखते ही राहुल चीख कर बेहोश हो जाता है। राहुल के चीखने की आवाज सुनकर उसके माँ बाप भागते हुए राहुल के पास आते हैं। उधर रमा भी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह जब राहुल को होश आता है
तो उसकी माँ कामिनी उससे रात के बारे में पूछती है। अरे राहुल मेरे बेटे, क्या हो गया था? रात में तुम बेहोश कैसे हो गए थे? ये क्या मजाक है राहुल, भला अपनी बहन के लिए कोई ऐसे बोलता है? तू नींद में होगा तभी कहती हूँ रमा को चुड़ैल मत बोला कर, इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ। फिर कामिनी वहाँ से चली जाती है, लेकिन राहुल मन ही मन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपने दोस्तों से मिलने के लिए घर से बाहर चला जाता है। उधर रमा को भूख लगती है और वो कामिनी के पास जाती है। मुझे भूख लगी है, खाना दो। हाँ हाँ मेरी प्यारी लाडो, बनाती हूँ रोटी, तू बैठ। उसके बाद कामिनी रमा के लिए रोटी बनाने लगती है। रमा भी एक के बाद एक करके सारी रोटियां खा जाती है और कामिनी के पास जाकर बोलती है, मुझे और भूख लगी है, और रोटियां दो। ये सुनकर कामिनी भी घबरा जाती है और रमा को बोलती है, बेटी तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तू पहले ही 20 रोटियां खा गई है, तेरा पेट खराब हो जाएगा। बुढ़िया भूख लगी है तो क्या रोटी भी ना खाऊं? चल बना रोटी मेरे लिए। रमा के मुंह से ये बात सुनकर कामिनी डर जाती है और फिर से रोटियां बनाने लगती है। रमा खाने के बाद अपने कमरे में चली जाती है। रात में कामिनी ये बात शंकर को बताती है, जिसे सुनकर शंकर बोलता है, तुम माँ बेटे को कुछ नहीं आता, जब देखो भूत प्रेत चुड़ैल। अरे कुछ नहीं हुआ है, भूख लगी होगी तो बेचारी ज्यादा खा गई होगी। तुम भी ना, बच्चे ना खाएं तो भी टेंशन और खा लें तो भी टेंशन। चलो अब सोचो मत और सो जाओ। और तुम्हारा लाट साहब राहुल कहाँ है? पक्का आवारा गर्दी कर रहा होगा, इतनी रात हो गई अब तक नहीं आया। रात में जब शंकर सो रहा होता है तो उसे घर के दरवाजे के खुलने की आवाज आती है। वो कमरे से बाहर निकलकर देखता है, रमा दरवाजा खोलकर जा रही होती है। अरे ये क्या हो रहा है, रमा इतनी रात को कहाँ जा रही है? मुझे देखना पड़ेगा। फिर वो चुपके से रमा का पीछा करता है। रमा घर से निकलकर गाड़ी के पास जाती है और गाड़ी में से पेट्रोल निकालकर पीने लग जाती है। उसका चुड़ैल वाला सर भी बाहर आ जाता है। ये सब देखकर शंकर बहुत घबरा जाता है। अगली सुबह शंकर एक तांत्रिक को बुलाकर आता है, तब तक राहुल भी आ जाता है। तांत्रिक शंकर से कहता है, सही किया शंकर बेटा, जो तुमने मुझे बुला लिया। तुम्हारे घर पर एक चुड़ैल का साया है और वो चुड़ैल तुम्हारी बेटी के शरीर में है। उसका कमरा कहाँ है, मुझे वहाँ ले चलो। फिर राहुल तांत्रिक को रमा के कमरे में ले जाता है। वहाँ रमा चुड़ैल के रूप में बैठी होती है, उसके दो सर निकले होते हैं। आ गया तांत्रिक। लेकिन तू कुछ नहीं कर पाएगा, मैं इस लड़की का शरीर नहीं छोड़ूंगी। वो तो तुझे छोड़ना ही होगा चुड़ैल, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। लेकिन तू ये बता कि तू चुड़ैल कैसे बनी और पेट्रोल क्यों पीती है, जल्दी बता। मेरा नाम वाणी है और मैं बहुत ही घुमक्कड़ थी। अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा मैंने अपने घूमने में लगा दिया, लेकिन जब से ये पेट्रोल महंगा हुआ मेरी कमाई घट गई। एक दिन जब मैं घर से घूमने निकली तो मैंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, लेकिन महंगे पेट्रोल के कारण गाड़ी में कम पेट्रोल आया और टायर पंचर होने के कारण मैं एक रेगिस्तान में फंस गई और कई दिनों तक मुझे खाना नहीं मिला। भूखे होने के कारण मैंने गाड़ी में पड़ा हुआ पेट्रोल ही पी लिया और मेरी मौत हो गई। बस तब से मैं दूसरों के शरीर पर कब्जा करती हूँ ताकि घूम सकूं और पेट्रोल पीती रहूं। मुझे पेट्रोल की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। देख चुड़ैल, जो हुआ सो हुआ, तू इस बच्ची का शरीर छोड़कर चली जा, इसने क्या बिगाड़ा है तेरा? इसे मैं नहीं छोड़ूंगी, ये लड़की ही मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती है। मैं नहीं छोड़ूंगी इसे। लेकिन तभी तांत्रिक अपने पास से एक बोतल निकालता है, उसमें थोड़ा सा पेट्रोल होता है और पेट्रोल की खुशबू से चुड़ैल उस बोतल में खींची जाती है और उसमें कैद हो जाती है। चुड़ैल मैंने तुझे एक मौका दिया था लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी, अब रह इस कैद में। चुड़ैल के निकलते ही रमा भी ठीक हो जाती है और राहुल से बोलती है, कुत्ते ये तूने मेरे मुंह पर क्या लगाया है? मम्मी ये भस्म इसने ही लगाई है ना, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तू रुक जा। अरे बहन तू ठीक हो गई? अरे मम्मी मुझे कुत्ता कह रही है, मतलब ये ठीक हो गई,
फिर सब हंसने लगते हैं और तांत्रिक चुड़ैल को लेकर चला जाता है।